नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आईपीएल 2019 मुंबई इंडियंस की सुपर ओवर में जोरदार जीत से बदला पॉइंट्स टेबल का गणित, जानिए कौन सी टीम है कहां। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2019 में गुरुवार 2 मई को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए एक बेहद रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराते हुए इस सीजन में प्ले ऑफ में पहुँचने वाली तीसरी टीम बन गयी है। मुंबई ने पहले चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम में प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते क्विन डी कॉक की 69 रन की पारी की बदौलत 20 ओवर में 162 रन पे 5 ओवर का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में हैदराबाद की पारी लड़खड़ाई, लेकिन मनीष पांडे ने 71 रन की जोरदार पारी खेलते हुए मैच को सुपर ओवर में पहुँचा दिया, जहाँ मुंबई ने हैदराबाद को मात देते हुए प्ले ऑफ में जगह बना ली। इस जीत के साथ ही मुंबई की टीम 16 अंकों के साथ चेन्नई और दिल्ली के साथ ही प्ले ऑफ में पहुंच गई है। अब मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल में दिल्ली एक स्थान ऊपर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। प्ले ऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने उतरेगी कोलकाता पंजाब की टीम में, जाने किसका पड़ रहा भारी। सीजन की शानदार शुरुआत के बाद ट्रैक से भटकी किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जब अपने अगले मैच में उतरेगी तो दोनों टीमों के लिए यह मैच करो या मरो वाला होगा। किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच यह मैच शुक्रवार को रात 8 बजे मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब ने अब तक 12-12 मैच खेले हैं और उन्हें 7-7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों में 5-5 जीत के साथ 10-10 पॉइंट है। हालांकि नेट रन रेट के आधार पर कोलकाता की टीम 6 नंबर पर मौजूद है, जबकि पंजाब की टीम 7 नंबर पर मौजूद है। पंजाब को अपने आखिरी 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं कोलकाता की टीम लगातार 6 मैचों में हार का सिलसिला पिछले मैच में तोड़ा था और मुंबई को 34 रन से हराया था। विकेट के पीछे चीते जैसी फुर्ती से कैसे स्टंप कर पाते हैं MS धोनी, मैच के बाद खुद किया खुलासा। चेन्नई सुपर किंग्स ने बुधवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 80 रनों से हरा दिया। चेन्नई की इस जीत में कप्तान MS धोनी ने शानदार योगदान दिया और बल्ले के अलावा ग्लव से भी शानदार प्रदर्शन दिया। धोनी ने बैटिंग के दौरान पहले 20 गेंद पर 40 रन की पारी खेली और फिर दिल्ली की बल्लेबाजी के दौरान बेहद फुर्ती दिखाते हुए एक ही ओवर में क्रिस मॉरिस के बाद श्रेयस अय्यर को स्टंप कर दिया। इसके अलावा धोनी ने इमरान ताहिर की गेंद पर अमित मिश्रा का कैच भी लिया। मैच के बाद धोनी ने अपनी शानदार विकेट कीपिंग के बारे में खुलासा किया और बताया कि अच्छी विकेट कीपिंग के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट को श्रेय दिया। धोनी ने मैच के बाद कहा कि उनकी विकेट कीपिंग में काफी हद तक निखार टेनिस बॉल क्रिकेट के कारण आया है। हालांकि उन्होंने विकेट कीपिंग को अपना करियर चुनने वाले युवाओं को चेताया भी। उन्होंने कहा कि युवाओं उनके अनुसरण करने की कोशिश से पहले बेसिक जरूरी सीखनी चाहिए। धोनी ने कहा, पहले आपको बेसिक सही करने की जरूरत है, फिर अगले स्तर की योग्यता हासिल करें। अगर आप ऐसे ही जारी रखते हैं तो आप बहुत सारी पारी जीत सकते हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।